हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मुंबई डिवीज़न के डाउन थ्रू लाइन के सिग्नल्स देखे थे सीएसएमटी से कल्याण। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे अप थ्रू लाइन के सिग्नल्स कल्याण से सीएसएमटी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्याण स्टेशन पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो है वो अप थ्रू लाइन का मेन लाइन प्लेटफॉर्म है। तो कल्याण प्लेटफॉर्म 5 पर दो सिग्नल है, S48 और S39। S48 प्लेटफॉर्म के बीच में है, जहाँ से लोकल स्टार्ट होती है CST की तरफ जाने वाली, और आगे प्लेटफॉर्म स्टार्टर S39 है लेफ्ट साइड, जहाँ से मेल एक्सप्रेस स्टार्ट होती है। स्टार्टर 39 के आगे दो सिग्नल मिलेंगे, पहला S19 जिसपे एक डाइवर्जन है लेफ्ट साइड 6 लाइन जाने के लिए, और आगे कर्वेचर में S8 जिसपे भी एक डाइवर्जन है लेकिन राइट साइड लोकल लाइन जाने के लिए। तो ये हो गए कल्याण के टोटल 4 सिग्नल्स, S48, S39, S19, S8। 48 प्लेटफॉर्म के बीच में है, S39 प्लेटफॉर्म स्टार्टर लेफ्ट साइड, S19 पे एक डाइवर्जन 6 लाइन जाने के लिए, S8 पे एक डाइवर्जन लोकल लाइन जाने के लिए। फिर आगे कल्याण और डोंबिवली के बीच में 6 ऑटोमेटिक सिग्नल हैं। पहला 5102। तो यहाँ पर हम कल्याण के प्लेटफॉर्म 5 से आ रहे हैं अप थ्रू लाइन पर, लेकिन यदि यार्ड से आना हो अप थ्रू लाइन पर तो यार्ड का एडवांस S6 सिग्नल है, जिसपे नीचे वाला डाइवर्जन मिलेगा अप थ्रू लाइन के लिए, और S6 के बाद 5102 या ऑटोमेटिक सिग्नल मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। कल्याण से डोंबिवली के बीच में 6 ऑटोमेटिक सिग्नल थे, 5102 ये हो गया, फिर आगे 5008, 5002, कर्वेचर में 4910, 4902 और 4814। ये हो गए 6 ऑटोमेटिक सिग्नल। अब इसको याद रखने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, 2 8 2 10 2 14, जिसमें 51 का एक ही है 5102, 50 का 2 5008, 5002, 49 का 2 4910, 4902 और 48 का 1 4814। फिर आ जाते हैं डोंबिवली के सिग्नल पे। डोंबिवली के दो ही सिग्नल हैं, S41 और आगे प्लेटफॉर्म स्टार्टर S33। S33 पर एक डाइवर्जन है 6 लाइन जाने के लिए। अब डोंबिवली और दीवा के बीच में 10 ऑटोमेटिक सिग्नल हैं, जिसमें से 8 लेफ्ट साइड एक सीधी लाइन में दिख जाएंगे और बाकी के 2 आगे कर्वेचर में दिखेंगे। ये 10 सिग्नल कौन से हैं देख लेते हैं। डोंबिवली के पहले 48 पे ख़त्म हुआ था, तो अब डोंबिवली के आगे 47 से स्टार्ट होगा। 47 का 2 है 8 और 2, मतलब 4708, 4702। फिर 46 का एक ही है 4610। फिर 45 के 3 हैं 12 8 2, मतलब 4512, 4508, 4502। फिर 44 का 2 है 10 4, मतलब 4410, 4404। और 43 का भी 2 है 14 8, 4314, 4308। तो ये हो गए टोटल 10 ऑटोमेटिक सिग्नल डोंबिवली और दीवा के बीच में। 47 का 2, 46 का 1, 45 का 3, 44 और 43 के 2 2। फिर दीवा के सिग्नल पे आ जाते हैं। दीवा में अप थ्रू लाइन पर टोटल 5 सिग्नल हैं, बिल्कुल सीधे S67, S65 और प्लेटफॉर्म स्टार्टर S54 राइट साइड। फिर आगे लेफ्ट साइड S49, जिस पे 2 डाइवर्जन हैं, एक लोकल लाइन जाने के लिए और एक 6 लाइन जाने के लिए। फिर आगे S46। तो ये हो गए टोटल 5 सिग्नल दीवा के, 67, 65, 54 स्टार्टर और आगे 49 46। फिर अब दीवा और थाने के बीच में 13 ऑटोमेटिक सिग्नल हैं, 40 से स्टार्ट करना है और सबके 2 2 हैं, सिर्फ 36 का एक ही है, मतलब 40 के 2 यानि
कर्वेचर में 4020, 4014। फिर इलेक्ट्रिक इंजन के लिए न्यूट्रल सेक्शन है, यहाँ पे 40 के दो हो गए। फिर अब 39 के दो मुम्ब्रा का प्लेटफॉर्म स्टार्टर कर्वेचर में 3912 और आगे राइट साइड 3904। फिर आगे टनल आएगा, टनल के बाद 38 का भी दो कर्वेचर में 3810 3804। फिर एक और टनल आएगा, टनल के बाद 37 का भी दो 3712 3704 और फिर 36 का एक ही है 3604। फिर आगे 35 के दो 34 के दो कौन कौन से 3514 और कलवा का प्लेटफॉर्म स्टार्टर 3506। फिर 34 के दो कौन से कर्वेचर में 3414 और 3408। तो ये हो गए टोटल 13 ऑटोमेटिक सिग्नल दीवा और थाने के बीच में। 40, 39, 38, 37 के दो दो हैं, 36 का एक ही है बीच में, फिर 35 और 34 का भी दो दो है। फिर आ जाते हैं थाने के सिग्नल्स पे, 90, 82, 65, 46, 11। तो कर्वेचर में S90, थाने S90 पे दो डाइवर्जन है, ऊपर वाला प्लेटफॉर्म 7 पे जाने के लिए और नीचे वाला डाइवर्जन 6 लाइन पे लेके जाएगा, S83 सिग्नल मिलेगा। लेकिन हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधे अप थ्रू के मेन लाइन प्लेटफॉर्म 6 पर। थाने S90 के बाद बिल्कुल सीधे राइट साइड S82 मिलता है। थाने प्लेटफॉर्म 6 पर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक सिग्नल लगा है S65 कर्वेचर में राइट साइड, इसको भूलना नहीं है। कर्वेचर के कारण थाने में परमानेंट 80 भी है और फिर 65 के बाद डायरेक्ट प्लेटफॉर्म स्टार्टर S46 राइट साइड, उसके बाद कर्वेचर में S11। तो ये हो गए टोटल 5 सिग्नल थाने के, 90, 82, 65, 46, 11। 65 और 46 दो सिग्नल हैं प्लेटफॉर्म पर, ये याद रखना है। फिर अब थाने S11 के बाद डायरेक्ट मुलुंड के सिग्नल आ जाएंगे कर्वेचर में S16, जिसपे एक डाइवर्जन है लोकल लाइन जाने के लिए। मुलुंड 16 के बाद K56 एक ऑटोमेटिक सिग्नल है। फिर आगे कर्वेचर में मुलुंड का प्लेटफॉर्म स्टार्टर S11, उस पर दो डाइवर्जन है, ऊपर वाला 6 लाइन जाने के लिए और नीचे वाला NGSM यार्ड जाने के लिए। फिर अब मुलुंड और भांडुप के बीच में 5 ऑटोमेटिक सिग्नल हैं। मुलुंड के पहले K56 पे ख़त्म हुआ था, तो अब कर्वेचर में K54, K52, 2808। फिर अब राइट साइड कर्वेचर K50 और बिल्कुल सीधे K48। K48 के बाद भांडुप S24, 48 का आधा 24, ऐसे भी याद रख सकते हैं। भांडुप का एक ही सिग्नल है S24। उसके बाद आता है भांडुप का प्लेटफॉर्म स्टार्टर K46। फिर अब भांडुप और विक्रोली के बीच में भी 5 ऑटोमेटिक सिग्नल है। ये हो गया पहला K46 भांडुप का प्लेटफॉर्म स्टार्टर। फिर बिल्कुल स्ट्रेट आगे 2514, K44A, कर्वेचर में K44, K42। फिर एक न्यूट्रल सेक्शन है इलेक्ट्रिक इंजन के लिए। अब आ जाते हैं विक्रोली के सिग्नल पे, 3 ही सिग्नल हैं 30, 25, 22। कर्वेचर में विक्रोली S30, S25 और प्लेटफॉर्म स्टार्टर S22, 30, 25, 22। फिर आगे विक्रोली और विद्या विहार के बीच में 8 ऑटोमेटिक सिग्नल मिलेंगे। विक्रोली के पहले K42 पे ख़त्म हुआ था, तो K40 नहीं है, पहला कर्वेचर में K38, K36, K36A, K34, स्ट्रेट K32, K30, कर्वेचर में K28 और घाटकोपर का प्लेटफॉर्म स्टार्टर K26।
तो ये हो गए टोटल 8 ऑटोमेटिक सिग्नल विक्रोली और विद्याविहार के बीच में। K38 से स्टार्ट करना है, K38, 36, 36A, 34, 32, 30, 28, 26। K26 कर्वेचर में है घाटकोपर का प्लेटफॉर्म स्टार्टर। तो चलिए विद्याविहार के सिग्नल्स देख लेते हैं। 42, 34, 9, 3। S42, इस पर 3 डाइवर्जन हैं। ऊपर वाला F लूप जाने के लिए, बीच वाला खराब है डाइवर्जन, बंद है, और नीचे वाला 6 लाइन S36 पे लेके जाएगा। यदि LTT जाने वाली गाड़ियाँ अप थ्रू लाइन से ही आ रही हैं तो इस सिग्नल के नीचे वाले डाइवर्जन से होते हुए S36 पर जाएंगी और वहाँ से LTT यार्ड चली जाएंगी। S42 के बाद कर्वेचर में विद्याविहार S34, फिर बिल्कुल सीधे S9 और S3। ये हो गए विद्याविहार के 4 सिग्नल, 42, 34, 9, 3। विद्याविहार S3 के बाद 3 ऑटोमेटिक सिग्नल मिलेंगे कुरला के पहले, K24, K24A और कर्वेचर में K24B। फिर कुरला के 2 ही सिग्नल हैं, कर्वेचर में कुरला का प्लेटफॉर्म स्टार्टर S43 और आगे कर्वेचर में गैंट्री पे ऊपर है S47। तो ये थे कुरला के 2 सिग्नल 43-47, कोई डाइवर्जन नहीं। अब कुरला और दादर के बीच में 6 ऑटोमेटिक सिग्नल है। कुरला के पहले K24 पे ख़त्म हुआ था तो K22 से स्टार्ट करना है, कर्वेचर में K22, K20, सायन का प्लेटफॉर्म स्टार्टर K18, K16, K16A और लास्ट K14। K14 के बाद दादर के सिग्नल्स आ जाएंगे, 7 सिग्नल है दादर में, 28, 29, 32, 35, 37, 42, 45। तो पहला राइट साइड दादर S28, जिसपे 2 डाइवर्जन है, ऊपर वाला लोकल लाइन जाने के लिए और नीचे वाला दादर यार्ड जाने के लिए। S31 सिग्नल मिलता है यार्ड का। दादर S28 के बाद सीधे S29 लेफ्ट साइड, फिर आगे कर्वेचर में माटुंगा का प्लेटफॉर्म स्टार्टर है दादर S32। इस पर भी 2 डाइवर्जन हैं, ऊपर वाला लूप में लेके जाएगा और नीचे वाला दादर टर्मिनस लेके जाएगा। कर्वेचर के कारण यहाँ पर परमानेंट 60 भी है। दादर 32 के बाद 35 और सीधे राइट साइड 37। 37 पे भी 1 डाइवर्जन है प्लेटफॉर्म 5 जाने के लिए। फिलहाल हम जाएंगे सीधे दादर प्लेटफॉर्म 6 पर। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि दादर के प्लेटफॉर्म 6 पर भी 2 सिग्नल हैं, कल्याण और थाने जैसा। दादर S42 जो कि प्लेटफॉर्म के बीच में है जहाँ से लोकल स्टार्ट होती है, और दादर S45 जो कि प्लेटफॉर्म का स्टार्टर है, मेल एक्सप्रेस स्टार्ट होती है। तो ये थे दादर के टोटल 7 सिग्नल, 28 पे दोनों डाइवर्जन राइट साइड, 29 के बाद 32 दोनों डाइवर्जन लेफ्ट साइड, 32 के बाद 35 37 और फिर 42 45 दोनों प्लेटफॉर्म 6 पे। फिर यहीं से बिल्कुल सीधे राइट साइड K12 दिखता है, एक ही ऑटोमेटिक सिग्नल है दादर और परेल के बीच में, और उसी के आगे राइट साइड थोड़ी ही दूरी पर परेल S29 है। परेल में कर्वेचर के कारण यहाँ पर परमानेंट 80 है। परेल S29 के बाद कर्वेचर में परेल प्लेटफॉर्म स्टार्टर S11, S14 और सीधे राइट साइड परेल S13। तो ये हो गए परेल के 4 सिग्नल, 29, 11, 14, 13, कोई डाइवर्जन नहीं। परेल से तुरंत बाद भाईखल्ला के सिग्नल स्टार्ट हो जाएंगे। परेल S13 के जस्ट आगे राइट साइड भाईखल्ला S49 है, जिसपे एक डाइवर्जन है भाईखल्ला यार्ड जाने के लिए। फिर आगे लेफ्ट साइड भाईखल्ला 41, 34, 34 पे भी एक डाइवर्जन है लोकल लाइन जाने के लिए। यहाँ पर भाईखल्ला में परमानेंट 65 है। 34 के बाद 28 और भाईखल्ला प्लेटफॉर्म स्टार्टर S15। इस पर एक संट है और एक डाइवर्जन भी है माजगांव यार्ड जाने के लिए।
तो ये थे भाई खल्ला के टोटल 5 सिग्नल, 49, 41, 34, 28, 15। फिर अब भाई खल्ला प्लेटफॉर्म स्टार्टर S15 के बाद एक ऑटोमेटिक सिग्नल आएगा राइट साइड K8। फिर थोड़ी ही दूर आगे कर्वेचर में माजगांव S12 राइट साइड ही है। फिर आगे कर्वेचर में माजगांव S15 लेफ्ट साइड है। तो ये थे माजगांव के 2 सिग्नल 12, 15। माजगांव में परमानेंट 50 है। फिर माजगांव 15 के बाद कर्वेचर में एक सिग्नल दिखेगा, ऑटोमेटिक सिग्नल K4। K4 के बाद CSMT के सिग्नल्स मिलेंगे कर्वेचर में लेफ्ट साइड S61। इस 61 सिग्नल पे 2 डाइवर्जन है, ऊपर वाला S63 पे लेके जाएगा और नीचे वाला 7वीं लाइन S55 पे लेके जाता है। फिलहाल हम चलते हैं बिल्कुल सीधे लेफ्ट साइड K2 और फिर CSMT S48। इस पे 5 डाइवर्जन हैं, लेफ्ट साइड के तीनों प्लेटफॉर्म 7, प्लेटफॉर्म 8, प्लेटफॉर्म 9 जाने के लिए और राइट साइड के दोनों डाइवर्जन लोकल लाइन पे लेके जाएंगे उनके सिग्नल S27 और S26 पे। इस सिग्नल पर कोई भी डाइवर्जन ना मिलने पर हम सीधे जाएंगे S28 से होते हुए CSMT प्लेटफॉर्म 6 पर। तो ये थे मुंबई डिवीजन के कल्याण से CSMT अप थ्रू लाइन के 110 सिग्नल्स। इसका फर्स्ट पार्ट CSMT से कल्याण डाउन थ्रू लाइन का वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज इंद्रेश साइनिंग ऑफ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।